रुका प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जबलपुर से, जहां नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने पहुंची है, कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और जमकर प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस के कार्यकर्ता नर्सिंग घोटाले के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं और पुलिस ने काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कर रही है। जबलपुर से ये तस्वीरें हैं और पुलिस ने कलेक्ट्रेट जाने से पहले ही कांग्रेसियों को बैरिकेड लगाकर और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रोक दिया। और इतना ही नहीं, पुलिस ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। न्यूज 18 संवाददाता पवन पटेल जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, नरसिंह घोटाले पर सड़कों पर अगर हम कहें तो प्रदर्शनकारी उतरे हुए मैदान पर, कांग्रेस घेरने की कोशिश इस मसले पर। जी बिल्कुल, ये पूरा आंदोलन जो है नीट और नरसिंह घोटाले को लेकर के है। जी, तरह की गड़बड़ियां सामने आई, जो अपराध दर्ज किए गए उसके बाद भी अभी तक कोई भी सख्त एक्शन नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस ने इसीलिए ये आंदोलन किया है। कलेक्ट्रेट तक जो है घेराव कर, कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए रैली निकाली थी जिसे घंटाघर पर रोक लिया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कार्यकर्ताओं को तितर बितर करके 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि इस पर कोई सख्त एक्शन नहीं दिखता है दोषियों पर जिन्होंने घोटाला किया है, तो आगे भी इस तरह का आंदोलन होता रहेगा। बिल्कुल, यानी कि लगातार आने वाले वक्त में इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे। आखिर केवल कार्यकर्ता थे या कांग्रेस के बड़े नेता भी जबलपुर से जुड़े हुए इस प्रदर्शन में नजर आए? पवन प्रशांत, इसमें नगर अध्यक्ष थे शामिल और तमाम पदाधिकारी थे संगठन के, बड़े नेता कोई भी नहीं रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक बड़ा रूप जरूर देखने को मिला, क्योंकि इसमें 200 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए थे और जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल करके रोका गया, उसके बाद भी बैरिकेड तोड़कर जाने की कोशिश होती रही, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन है और जंगी प्रदर्शन है और आक्रोश भी इसमें जमकर देखने को मिला। बिल्कुल, नरसिंह घोटाले पर वैसे तो पवन पूरे प्रदेश में कांग्रेस आंदोलनरत है, लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जबलपुर से भी जैसा कि आप बता रहे हैं बड़ी संख्या में अगर कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी इस मसले पर। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है और चेतावनी भी है कि सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, ऐसे घोटाले ना हो, खासतौर पर शिक्षा में इसका विशेष ध्यान रखना होगा। जी, युवा संगठन भी कांग्रेस का शामिल था क्या इसमें? जी बिल्कुल प्रशांत, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे संगठन के। इसके पहले भी यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे और इसी जगह पर उन पर भी वाटर कैनन चला करके उन्हें रोका गया था। कहीं ना कहीं ये लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है जिसमें आने वाले समय में यह भी संभव है कि बड़े नेता भी शामिल हों और सरकार के एक्शन जो ढीला रवैया है, सुस्त रवैया है, उसके खिलाफ उनका भी आक्रोश देखने को। जी, कलेक्ट्रेट के पहले ही रोक दिया गया था, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या और एक्शन उनके खिलाफ या फिर गिरफ्तार कर छोड़ दिया गया? पवन, क्या डिटेल? प्रशांत, देखिए इस तरह के आंदोलनों में आमतौर पर गिरफ्तारी तो होती है। जी, और 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की आज भी गिरफ्तारी हुई है, नगर अध्यक्ष की भी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन इसमें जमानत दे दी जाती है क्योंकि आंदोलन करना कोई अपराध नहीं है, अपनी आवाज पहुंचाने का तरीका है। लेकिन कलेक्ट्रेट का घेराव करना, इतनी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट में कार्यकर्ताओं के साथ घुसना, ये जरूर धारा 144 का उल्लंघन माना जाता है और इसीलिए गिरफ्तारी भी की जाती है और चेतावनी दी जाती है कि इस तरह का आंदोलन, इस तरह उग्र आंदोलन करने से बचना चाहिए राजनीतिक संगठनों को या किसी भी संगठन को। जी बिल्कुल पवन, जो स्लोगन नजर आ रहे हैं उनमें जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या युवा कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता इसमें हो सकते हैं, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते हैं, जो स्लोगन लिखे हैं उसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, अभी क्या स्थिति है? प्रदर्शन अभी भी जारी है क्या? प्रदर्शन अभी खत्म हुआ है, कुछ देर पहले ही प्रदर्शन खत्म हुआ है, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले गए हैं, प्रधानमंत्री की भी गिरफ्तारी की मांग की गई और शिक्षा मंत्री की भी गिरफ्तारी की मांग की गई। कहीं ना कहीं कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार के संरक्षण में इस तरह के घोटाले अगर हो रहे हैं जी, तो सरकार भी इसमें दोषी मानी जानी चाहिए। बिल्कुल, तो सीधा आरोप है सरकार के संरक्षण में इस तरह के नरसिंह घोटाले जैसे कांड हो रहे हैं और ऐसे में अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कांग्रेस मांग